नगर निगम सिंगरौली में सीवरेज पाइपलाइन का देखरेख करने वाली कंपनी के केस पन दिल्ली की लापरवाही के कारण तीन मजदूरों की जान चली गई। बैढ़न के एक अचनी में सीवरेज पाइप सुधारने के लिए एक मजदूर अंदर उतरा, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तब संविदा कार ने दो मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के अंदर उतार दिया, जहां तीन मजदूरों कन्हैया नरेंद्र और इंद्रभान की मौत हो गई है। घटना की जानकारी पर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और SDRF की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद तीनों शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जहाँ से उन्हें ट्रामा सेंटर लाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए संविदाकार की लापरवाही पर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने संज्ञान लिया है और संविदाकार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है। देखिए चेयरमैन बालकृष्ण तिवारी की खास रिपोर्ट। बहुत दुखद है और जिस तरह से यह हादसा दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? मैं संदीप चौबे, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मंडल बैठक। मेरे वार्ड का यह घटना है। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, 28 नंबर वार्ड का। मैं यहाँ का पैदाइशी, मेरी बचपन से मतलब मेरे अगर कहा जाए तो मैं पैदा यहाँ से यहीं हुआ हूँ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले बार लगभग एक साल हो रहे होंगे, एक तिलाई का शर्मा 28 नंबर वार्ड में हमारे गली में सीवरेज का काम चल रहा था, उसमें भी इसी तरीके से वो गड्ढे में जा करके उनकी मृत्यु हो गई। उसको बचाने के लिए जाता है, फिर दूसरे के बाद तीसरे को भेजा जाता है, तो ये सारी घटना जब पहला ही नहीं निकल पा रहा था तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को भी अंदर भेजना चाहिए था? नहीं चाहिए था। मैं तो अभी भी मैं आया तभी बोला कि इसको रोड को पहले तत्काल इसको तोड़ाई इसकी करवा देनी चाहिए थी। अगर इसकी कोड़ाई अगर तत्काल अगर अभी हो जाती तो हो सकता है कि किसी तीसरे चौथे व्यक्ति को हमको नीचे नहीं भेजना पड़ता। ये जो एक बहुत ही दुखद हादसा है, इसमें जो तीन जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वर्कर थे जो सीवर लाइन के अंदर कार्य कर रहे थे और उनकी जो वहाँ असुरक्षित तरीके से कार्य करते हुए उनको जब सीवर लाइन में अंदर गए तो वहाँ पर उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो है यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी लापरवाही प्रदर्शित होती है कि वो असुरक्षित तरीके से जो सीवर का जो कार्य है वो उसके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो ITC की जो प्रसंगत धाराओं में उसमें उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। लाइन की सफाई के लिए आदमी घुसे वहाँ और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये कैजुअल्टी हो गई। निश्चित रूप से ठेकेदार की थोड़ी सी लापरवाही तो है, क्योंकि अगर सुरक्षा के पूरे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते तो शायद ये हादसा ना होता। नीचे गए थे अंदर, ये तो तीनों तीन तरह से था, देख के तो घबराहट हुआ, लेकिन अभी इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम इस स्थिति से निपट सके, तो हमने अपना धैर्य रखा और निकालने प्रथम समझा। ये टूटा हुआ था, देख के घबराहट तो हुआ, लेकिन स्थिति को देखते हुए मेरा घबराहट कुछ नहीं था, हमने अपना काम करना सही समझा और हमने अपना काम किया। क्या नाम है भाई आपका? कांस्टेबल फायर गोविंद कुमार। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया आप लोग, काफ़ी लोग सराहना कर रहे हैं आप कि इतने देरी से लोगों का इंतजार था, लोग आपके ऊपर बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं कि इसी तरह आप अपना काम करते रहे। थैंक यू।